ओम शांति। शिव बाबा संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर कई मनुष्य आत्माओं में से, करोड़ों अरबों आत्माओं में से कुछ सिलेक्टेड आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। वे आत्माएं जो संगम युग पर शिव पिता परमात्मा को पहचानकर शिव पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलती हैं, उन्हें बाबा कहते ये आत्माएं कोटों में कोई और कोई में भी कोई हैं, जो संगम पर भगवान को पहचानती हैं। वे आत्माएं दिव्य शक्तियों का भंडार हैं। वे आत्माएं अपने पांचों स्वरूपों में संपूर्ण पवित्र हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, हर खजाने से भरपूर हैं। लेकिन वे आत्माएं देह भान में आने के कारण अपनी उन दिव्य शक्तियों को भूल जाती हैं, स्वयं को भी भूल जाती हैं, अपने पिता निराकार परमात्मा शिव को भी भूल जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान की कहानी बताई जाती है कि हनुमान के पास अनेक दिव्य शक्तियां थी और वह श्राप के वशीभूत होकर अपनी शक्तियों को भूल गए थे। फिर पुनः जामवंत ने उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण कराया और वे सर्व शक्तियों से पुनः भरपूर हो गए, अर्थात स्मृति सो समर्थी। ऐसे ही स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ऐसे सिलेक्टेड बच्चों को संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा उनकी दिव्य शक्तियों का स्मरण कराते हैं और उन्हें पुनः दिव्य शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। तो बाबा कहते अब उन शक्तियों का यूज करो, उपयोग करो, ऐसे चमत्कार दिखाओ कि सब मान जाएं कि ये भगवान की संतानें हैं। भारत का प्राचीन राजयोग विश्वविख्यात है, इसलिए भारत संसार में विश्व गुरु अर्थात धर्म गुरु कहलाता है। राजयोग स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाया गया, जिस द्वारा मनुष्य अपने स्वरूप परमात्मा सृष्टि चक्र के रहस्यों को समझकर आदर्श मनुष्य अर्थात देवता बन जाता है। जब तक हमने इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, तब तक राजयोग के ज्ञान का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ज्ञान का आधार अनुभव है। जो एक बार अनुभव हो जाता है वह हम हर बार फिर से कर सकते हैं। राजयोग से हमारी सोई हुई आंतरिक शक्तियों को जागृत किया जाता है, जो समस्त विकारों को नष्ट कर हमें पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं पवित्र व शक्तिशाली बनाता है। राजयोग के माध्यम से हम अपने घर को मंदिर समान बना सकते हैं, जिसमें सबके देवीय संस्कार हों। इस संसार को श्रेष्ठ बनाने में राजयोग की अहम भूमिका है। हम कितनी भी श्रेष्ठ बातें क्यों ना सुने, यदि उसका अभ्यास ना करें तो वे बातें जीवन में काम नहीं आएंगी। राजयोग को अपने जीवन में स्थान देकर मन बुद्धि संस्कार को अनुशासित कर दिव्य बना सकते हैं। राजयोग के अभ्यास से
हम अपनी सारी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। राजयोगी के लिए ही कहावत है, संसार की कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं, सब कुछ संभव है और सहज है। अप्राप्त नहीं ब्राह्मणों के खजाने में कोई वस्तु, गुण और शक्तियां उसके आह्वान मात्र से उसके सम्मुख आ जाती हैं। सबसे पहले शिव बाबा ने स्मृति कराई, शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प युक्त दुआएं सदा सफलता का अनुभव कराती हैं। शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प युक्त दुआएं सदा सफलता का अनुभव कराती हैं। नियमित रूप से लगभग 8 वर्षों से अधिक समय से राजयोग और संकल्प शक्ति का जल के ऊपर कुछ बीके भाई बहनों ने प्रयोग किया और इस प्रयोग के द्वारा हजारों आत्माओं को लाभ मिला, सैकड़ों लोगों की सफलता का अनुभव है। इन सभी आत्माओं की दुआओं के फलस्वरूप आज हम सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में परम आदरणीय दादी जानकी जी का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था। हम सबकी शुभ भावना और दिल की दुआएं रही कि हमारी दादी माँ योग के प्रयोग द्वारा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उस समय दादी जी को भी लगभग 2 महीने तक राजयोग और संकल्प शक्ति के प्रयोग द्वारा शुभ भावना युक्त जल पिलाया गया। उसी बीच बाप दादा का भी संदेश आया, दादी जी प्रति बाबा के कमरे में आधा घंटा कोई भी बैठे सामने जल रखे और बच्ची को वह जल बीच बीच में पिलाते रहो तो देह को राहत मिलेगी। ऐसे कहते बाबा ने सभी को बहुत बहुत और विशेष दादी जी को याद प्यार दिया। फल स्वरूप स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। ये महावाक्य 14 अगस्त 2014 के थे। ऐसे ही बाबा कहते एकाग्रता और पवित्रता की सूक्ष्म थर्मामीटर। एकाग्रता और पवित्रता की सूक्ष्म थर्मामीटर अपने राजयोगी जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए यह जल थर्मामीटर का काम करता है। इसमें अपनी एकाग्रता और पवित्रता की सूक्ष्म चेकिंग कर सकते हैं। शांति वन में नियमित रूप से कुछ बीके भाई बहने मिलके रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक बाबा के कमरे में संगठित रूप से प्रयोग करते हैं। रात्रि ही क्यों? इसका गुह्य रहस्य है, क्योंकि रात्रि सोने के बाद हमारी कोई सुरक्षा नहीं होती। देहिक सुरक्षा तो हम सब करते ही हैं, लेकिन मानसिक सुरक्षा क्या है? इसी पर बाबा की श्रीमत है, रात्रि सोने से पूर्व कम से कम 30 मिनट तक योग करने के बाद शिव बाबा की याद की गोद में सो जाओ। रात्रि सोने से पूर्व जल पर बाबा की याद और श्रेष्ठ संकल्प शक्ति का प्रतिदिन प्रयोग करने से डबल फायदा होता है। सोने से पूर्व परमात्म याद युक्त जल पीने से शारीरिक बीमारियों में राहत मिलने के साथ साथ सूक्ष्म और आभा मंडल का निर्माण होता है, जो हमारी सुरक्षा कवच बनता है। वह अशुद्ध वाइब्रेशन से रक्षा करता है।
फल स्वरूप नींद भी अच्छी होती है और अमृत बेले योग के समय में श्रेष्ठ अनुभूति कराने में भी यह योग मददगार सिद्ध होता है। श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प परवश आत्माओं को भी शक्तिशाली बना देता है। श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प परवश आत्माओं को भी शक्तिशाली बना देता है। हमारे श्रेष्ठ संकल्प जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प ही सर्वश्रेष्ठ खजाना है। हमारे संकल्प का प्रभाव वातावरण पर, आत्माओं पर और प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ता है। हमारे शुद्ध संकल्प संजीवनी बूटी हैं, जो किसी भी परवश आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। आज मनुष्य मानसिक तनाव, तमो प्रधान आत्माओं के वाइब्रेशन, नकारात्मक भावनाओं और रिद्धि सिद्धि के प्रभाव में है, अतः वह श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित नहीं हो पाता और सदा परेशान रहता है। इससे मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ संकल्प की स्थिति में स्थित रहो। शुद्ध वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाकर कई प्रकार के कल्याणकारी चमत्कार दिखा सकते हैं। राजयोग के अभ्यास और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से निर्मित जल को पिलाकर मनुष्य आत्माओं को अनेक समस्याओं व सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। हम जानते हैं जल में वाइब्रेशन ग्रहण करने की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। हमारे श्रेष्ठ संकल्प दुआएं बनकर सर्व के दुख दर्द और संकट पल भर में दूर कर सकते हैं। आज विश्व में व्यर्थ और नकारात्मक व अशुद्ध वाइब्रेशन से मुक्त होने का साधन अपने मन बुद्धि की एकाग्रता है। यदि हम अपने मन बुद्धि को संयमित कर शुद्ध वृत्ति द्वारा तीव्र गति से वाइब्रेशन फैलाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बना देंगे तो कई प्रकार के कल्याणकारी चमत्कार दिखा सकते हैं। संकल्प के द्वारा वरदान भी दे सकते हैं। प्रयोग के दौरान यह स्मृति रखना, जिस समय विशेष उद्देश्य से किसी भी स्थान पर बैठे हैं, उस समय स्मृति हो कि वह स्थान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान है। यहां से चारों ओर विश्व के सर्व आत्माओं को पवित्रता, सुख शांति का श्रेष्ठ वाइब्रेशन मिल रहा है। ईश्वरीय वाइब्रेशन से निर्मित जल अनेक समस्याओं से मुक्त कर देता है। जो भी मनुष्य आत्माएं चाहती हैं कि हम सर्व समस्याओं से मुक्त हों, वे एक समय और एक स्थान निश्चित कर कम से कम 20 से 30 मिनट तक राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्म शक्ति और पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस सम्मुख रखे जल में प्रवाहित करें। यह जल अमृतमय हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। यह ईश्वरीय वाइब्रेशन से निर्मित जल जिस आत्मा को पिलाया जाएगा, उस आत्मा की मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों को समाप्त करने में बहुत मददगार साबित होगा। मानव कल्याण में आपका योगदान क्या है?
कल्याण होता है कर्मों से। कर्म और संस्कार का संबंध है, संकल्पों से संस्कार है। गुप्त संकल्प सुख दुख का संबंध है कर्मों से। विचार अथवा संकल्प के बारे में समझना जरूरी है। विचार में तीन चीजें शामिल हैं, पहली इच्छा, दूसरी स्मृतियां, स्मृतियां उचित अनुचित, आवश्यक अनावश्यक, व्यक्त और अव्यक्त रूप की होती हैं, और तीसरा है संवेग, चाहे प्रेम के रूप में या घृणा के रूप में। वैसे तो कई प्रकार के विचार हैं, परंतु यहां हमारा संबंध उपरोक्त तीन से है। स्वयं ठीक होने से, अर्थात स्वयं बदलने से ही विश्व बदलेगा। इसलिए अपने विचार पहले बदलें, अर्थात ठीक हों। फिर कहा जाता है, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन, अर्थात व्याख्या से व्यवहार और आचरण श्रेष्ठ है। जिसका जीवन ही खुली किताब के समान है, वह ज्यादा कहता नहीं, उसका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हमारा कल्याण जितना होगा, उतना विश्व का कल्याण होगा, और जितना विश्व का कल्याण होगा, उतना हमारा। इसलिए किसी ने कहा है कि थॉट्स कैन मूव मूवमेंट, थॉट्स कैन मूव माउंटेन, अर्थात विचार पर्वतों को भी चला सकते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं विचार। उदाहरणार्थ, किसी ने एटम बम बनाया, किसी ने ताजमहल बनाया, तो जरूर उसे पहले विचार आया ना। परंतु जब हम विश्व कल्याण में सहयोगी बनेंगे, तब हम दुनिया के लिए आदर्श बनेंगे। सबके लिए आदर्श और श्रेष्ठ विचार करें। हमारे संकल्प में परिवर्तन तब होगा जब हमारा उस कल्याणकारी निराकार परमात्मा से संबंध होगा। फिर हम विषय वासना वैभवों के पीछे ना भागेंगे। परमात्मा की याद से निर्णय भी ठीक होगा, क्योंकि वह बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। प्रेम हमारा पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वह परम पवित्र है। इसलिए परमात्मा को कल्याणकारी कहा जाता है, क्योंकि वह हमारे विचारों को बदलता है। इस प्रकार हम अपना ही कल्याण करेंगे, दूसरों का भी। यह सहयोग हो। सहयोग शब्द ही योग से बना है। जब तक हमारा योग ना होगा, तब तक हम सहयोग दे नहीं पाएंगे। आज दुनिया में सहयोग तो सब अपनों को दे रहे हैं, परंतु परमात्मा से योग कोई नहीं कर रहे। अतः विश्व का कल्याण नहीं हो रहा। विश्व कल्याण के लिए हमारा असल सहयोग अथवा योगदान तो ईश्वर पिता से योग लगाना ही है। सारा कल्प ही हमारे संकल्पों से चलता है। सारा कल्प ही हमारे संकल्पों से चलता है। संकल्प को कोई साधारण बात मत समझिए। आप समझते हैं कि मेरा संकल्प उठा, उसको दबा दिया, संकल्प चला उसको मुख में लाकर वर्णन कर दिया, संकल्प चला उसको कर्म में लाकर कोई नुकसान कर दिया, किसी को दुख दे दिया। तो संकल्प से जो हम कार्य करते हैं, तो यह हमारा साधारण लौकिक और विकारयुक्त संकल्प है। सारे दिन में उठते बैठते चलते फिरते
हम कितने संकल्प करते हैं। हमारी सब गतिविधियां संकल्प से ही होती हैं। सारा कल्प ही हमारे संकल्प से चलता है। कल्प और संकल्प संबंधित हैं। यह कल्प क्या है? कल्प को कल्प क्यों कहते हैं? 5000 वर्षों तक हमारे जो अलग अलग संकल्प चलते हैं, उसके बाद फिर वह पुनरावृत्त होते रहते हैं। जब तक भिन्न भिन्न संकल्प चलते हैं, तब तक समय अवधि 5000 वर्ष है। चलते तो बाद में भी हैं, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती है, दूसरा कल्प शुरू होता है। संकल्प से हमारा कर्म, हमारा भाग्य बनता है। संकल्प से ही हम महानता की ओर अथवा पतन की ओर जाते हैं। यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना संकल्प से ही है। तो क्या हम संकल्प को इतना महत्व देते हैं या उसको ऐसे ही खर्च कर देते हैं? तो ये थी बाप दादा द्वारा कराई गई विशेष संकल्प शक्ति की स्मृति। अब अगले वीडियो में हम हमारी इस दिव्य संकल्प शक्ति का प्रयोग जल के ऊपर किस प्रकार करें उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।